मेन चीज है ये देखो यार, इंजन तक टूट गया बाइक का। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और यार आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख के आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि हाँ ऐसा भी हाल हो सकता है किसी बाइक का। अब ये खाली हुआ है ओवर स्पीडिंग के लिए, अब दिखाता हूँ थोड़ी देर में। चलते हैं इस बाइक के पास ज़रा। ये आपकी कॉन्टिनेंटल GT 650 और ये बाइक परसों ही आई है। और इस बाइक का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ यार, क्या बताऊँ मैं, दिखाता हूँ। हैंडल ये सारा नीचे लटका पड़ा है, इंडिकेटर डैमेज, ये तो खैर छोटी सी चीज़ है। मेन चीज़ है ये देखो यार, इंजन तक टूट गया बाइक का, सारा डैमेज है यहाँ से। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि बाइक हो रही थी ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग में बाइकर के कंट्रोल से बाहर निकल गई बाइक और यही हाल हुआ। बहुत बुरी हालत हुई है इसकी, और मेरे ख्याल से जो राइडर था उसको भी चोट लगी, काफ़ी चोट लगी उसको भी। और ये बाइक अभी इंश्योरेंस क्लेम के लिए आई है, मगर देखते हैं इसका कब तक पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी पार्ट्स देरी से आ रहे हैं। को सारा एग्जॉस्ट सब डैमेज हो चुका है, और ये हिस्सा तो अलग ही हो गया, टूटना तो अलग चीज़ है, अलग हो गया पूरा। टैंक भी डैमेज है, इस तरफ से तो बची हुई है बाइक। ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जाके भिड़ी थी बाइक, जो कि खड़ा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था राइडर और कंट्रोल में बाइक नहीं आई। क्या बुरी हालत हुई है। तो यार तभी कहते हैं कि ओवर स्पीडिंग एक तो नहीं करनी चाहिए, और अगर आप तेज़ चल भी रहे हैं तो पूरे राइडिंग गियर्स पहनिए, क्योंकि राइडर बच गया है, उसने गियर्स वगैरह पहने थे, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जो इंटरनल डैमेज हुआ है उसका। देखो यार क्या बुरी हालत हुई है बाइक की, हैंडल अलग, शुक्र है बाइकर बच गया, क्योंकि यार ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट्स में बाइकर की जो लाइफ होती है वो फुल रिस्क पे होती है। लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा एक फ्रेंड हमारे बीच में नहीं रहा, हयाबुसा चला रहा था वो, और सेम एक्सीडेंट था उसका भी, ट्रॉली में जाके भिड़ा था बेचारा। और इतनी बड़ी हयाबुसा होती है, इतनी सी हो गई थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो यार यही है कि ओवर स्पीडिंग करो, मगर थोड़ी ध्यान से। पहली बात तो यार करनी नहीं चाहिए ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग में कुछ नहीं रखा। ये बाइक्स हैं, कैफे रेसर बाइक्स हैं, रोडस्टर बाइक्स हैं, ये आप आराम से चलाओ, धीरे धीरे मज़े लेके चलाओ। ओवर स्पीडिंग करने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि यार लाइफ एक ही मिलती है, और अगर उसी को आप गंवा देंगे तो फिर क्या ही बाइक चलाओगे। मैं भी चलाता हूँ यार, मतलब एक अपनी स्पीड में रहिए, कंट्रोल में रखिए बाइक को। जब तक आपका कंट्रोल है बाइक पे तब तक ठीक है, आप अपने कंट्रोल में चलाइए बाइक को, जितनी स्पीड आप लोग झेल सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ये बाइक्स जो हैं, ये बाइक का जो पिकअप है काफ़ी ज़्यादा पंची है, तो एक बारी को एमेच्योर राइडर्स होते हैं, भगाते हैं बाइक को, और बाइक कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है जब आपको सडन ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग लेनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बाइक कंट्रोल में नहीं आती, और इसके साथ भी यही हुआ है। मगर शुक्र है कि राइडर जो है वो बच गया, क्योंकि ऐसे केस में राइडर का बचना बहुत मुश्किल होता है। जब फ्रंट से किसी चीज़ में कोई चीज़ स्टिल खड़ी होती है, जैसे ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रक खड़ा है, किसी भी चीज़ में बाइक जाके लगेगी जो चीज़ स्टिल खड़ी है, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि बाइकर बचे। मगर भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि राइडर सही सलामत है, थोड़ी सी उसके इंटरनल चोट लगी है मगर बच गया। मेरे ख्याल से इसमें खर्चा भी काफ़ी होने वाला है, टैंक पूरा जाएगा, क्योंकि टैंक इसका सबसे एक्सपेंसिव पार्ट है। एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट का पाइप गया, ये पीछे तो एग्जॉस्ट बिल्कुल सही है, पाइप गया, इंजन की जो ये केसिंग है, कवर है, ये गया, और आपका हैंडल है देखो, ये भी यहाँ से क्रैक हो चुका है सारा।
बाकी देखते हैं यार कब तक इसके पार्ट्स आते हैं, क्योंकि पार्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा इसमें खर्चा ओवरऑल कितना आता है और क्या एक्सपेंडिचर आता है, इंश्योरेंस में कितना क्लेम होता है। इसका भी जीरो टैप इंश्योरेंस था तो मेरे ख्याल से फुल क्लेम मिल जाएगा। कुछ एक पार्ट्स होते हैं जिनका क्लेम नहीं मिलता। तो यार ये एक तरीके से सीख, तो यार एक तरीके से ये सीख ही है हमारे लिए कि ओवर स्पीडिंग ना करें और बाइक जितनी कंट्रोल में स्पीड हो सके उतनी चलाएं, ओवर स्पीड ना करो यार। और सबसे मेन बात, इन्वेस्ट ऑन योर राइडिंग गियर्स। बाइक पे एक्सेसरीज इतने की लगवा ली, इतने का ये लगवा दिया, वो अपनी जगह है, मगर यार सबसे पहले, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार, सबसे पहले आप लोग अपने राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि राइडिंग गियर्स ही हैं जो आपकी जान बचाएंगे। बाइक की एसेसरीज अलग जगह पे हैं। एसेसरीज से पहले मेरे हिसाब से तो आप लोगों को अपने राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे राइडिंग गियर्स, अच्छी जैकेट, अच्छी राइडिंग पैंट, अच्छे ग्लव्स, अच्छा हेलमेट और अच्छे बूट्स। लोग बहुत ज़्यादा बूट्स को और राइडिंग पैंट को इग्नोर करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यार जैसे ही राइडर गिरता है सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है एक तो आपके जो आपकी लेग्स हो गई, क्योंकि बाइक एक तरफ ही गिरती है, तो अगर आपके पास प्रॉपर राइडिंग पैंट नहीं होगी, उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा चोट लगने की वो रहती है। हेलमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा हेलमेट लीजिए। मैंने देखा यार लोग भाई दुकान पे गए, भैया सबसे सस्ता हेलमेट दे दो, 200 का, 300 का, 500 का, नहीं यार भाई आप 5000 का, 6000 का हेलमेट लो जो कि सर्टिफाइड हो और जो अच्छा हेलमेट हो। क्यों अमित भाई? हेलमेट अगर आपका अच्छा नहीं है यार, हेलमेट को छोड़ो, कोई भी गियर आपका कहीं पे भी अगर लैग कर रहा है ना तो आपको चोट लगने के पूरे पूरे आसार हैं। जनरली इस तरह के बाइक जो भी लोग चलाते हैं उसे प्रोटेक्शन गियर तो पहनना ही है यार, तो ये क्योंकि हाई एंड बाइक्स है ना, इस बाइक का पिकअप बहुत ज्यादा है। हेलमेट भी अच्छी होनी चाहिए, जनरली फ्री वाले हेलमेट तो कभी नहीं पहनना चाहिए, वो तो किसी काम। रॉयल एनफील्ड देती है फ्री हेलमेट, मगर मैं कसम से उस हेलमेट को रेकमेंड नहीं करता हूँ। हेलमेट आप अच्छा लीजिए जो कि फुली सर्टिफाइड हो। और देखो यार क्या बुरी हालत हो गई बाइक की। फिर भी मेरे ख्याल से अमित सबसे अच्छी चीज़ यह है कि राइडर बच गया, राइडर बच गया, क्योंकि ऐसी केस में कंडीशन है, राइडर अच्छे खासे घिसटते हैं। हाँ राइडर अच्छा खासा, यार हमारा एक फ्रेंड है वो निकल लिया बेचारा। इसका पोस्चर काफी ये होता है ना, और बाइक को राइडर को साथ लेके गिरती है। हाँ एक तो क्योंकि इस बाइक का जो पोस्चर है वो भी अग्रेसिव है, तो अग्रेसिव स्टैंस में जब किसी आप चीज़ में हिट करते हैं डायरेक्ट जाके जो चीज़ खड़ी है, तो बहुत ज़्यादा चोट लगने का वो रहता है, डर रहता है। और यार डर क्या रहता है, चोट लग ही जाती है। तो यार आज इतना ही इस वीडियो में, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये जस्ट इसलिए नहीं है कि ये बाइक एक्सीडेंटल है इसलिए हमने इसको कवर करा। मेन चीज़ ये है कि देखो जब बाइक का ये हालत हुई है, देखो इस इम्पैक्ट में, इस एक्सीडेंट में सॉरी, इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि इंजन तक क्रैक हो गया, क्रैक क्या टूट गया, तो सोचो इंसान तो क्या ही चीज़ है, उसका तो क्या ही होगा। हाँ सेफ्टी गियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लड़का सेफ्टी गियर की वजह से बचा है। चलो यार आप लोग सेफ रहिए और राइडिंग गियर्स पहन के चलाइए, पूरे कंट्रोल में चलाइए, बिल्कुल भी अग्रेसिव बाइकिंग नहीं करनी और हाइपर बाइकिंग बिल्कुल मत करिए। ईगो में मत भगाइए बाइक को कि यार चलो साथ वाला रेस लगा रहा है तो हम भी रेस लगाएंगे। आजकल ऐसा रोड्स पे देखने को बहुत मिलता है। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।